नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा रेखा का है। रेखा के अब तक के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म उमराव जान बनाने वाले मुजफ्फर अली ने एक बार रेखा की निजी जिंदगी, उनकी मोहब्बत को लेकर कहा था कि उनके साथ बहुत गलत हुआ, अमिताभ को रेखा से शादी कर लेनी चाहिए थी। आज का किस्सा फैजाबाद की उस अमीरन का जिसे जमाने ने उमराव जान बना दिया। मिर्जा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव जान पर मुजफ्फर अली ने साल 1981 में एक लाजवाब फिल्म बनाई और इस फिल्म के लिए रेखा को नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म में गाना था जिसके बोल थे, जस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। कहते हैं ये गीत रेखा की निजी जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठता था। ये फिल्म उस दौर में आई थी जब रेखा और अमिताभ बच्चन के इश्क के चर्चे हर फिल्मी मैगजीन के टॉप पर थे। फिल्म मेकिंग के दौरान मुजफ्फर अली को रेखा की निजी जिंदगी को करीब से देखने का मौका मिला। एक बार एक इंटरव्यू में मुजफ्फर अली ने कहा था, रेखा एक चलती फिरती लाश जैसी बन गई थी, इसमें सारी गलती अमिताभ बच्चन की थी। मुजफ्फर अली ने इंटरव्यू में आगे कहा, उमराव जान के कुछ हिस्से दिल्ली में भी शूट हुए थे, तब अमिताभ अक्सर शूटिंग के दौरान सेट पर आते और बैठे रहते। जब भी रेखा अमिताभ के बारे में बात करती तो इनको या इन्होंने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती थी, ठीक वैसे ही जैसे एक शादीशुदा पत्नी अपने पति को पुकारती है। मुझे लगता है कि वो खुद को शादीशुदा ही मानती थी। रेखा कैसी पहेली जिंदगानी में यासिर उस्मान लिखते हैं कि मुजफ्फर अली की खासियत यह है कि वो बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। रेखा और अमिताभ के रिश्ते पर मुजफ्फर अली ने साफ साफ कहा कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से प्यार किया था, प्यार करती हैं। उन्हें रेखा को एक पहचान और रिश्ते को एक नाम देना चाहिए था। अमिताभ को रेखा से शादी करनी चाहिए थी। मुजफ्फर अली ने उमराव जान के लिए रेखा को ही क्यों चुना, इसकी भी एक दिलचस्प वजह है। मुजफ्फर अली कहते हैं कि रेखा का अतीत, उनकी शख्सियत उन्हें उमराव जान के लिए एकदम मुफीद बनाती है। रेखा की आंखों में गिरकर उठने की एक कैफियत थी, जिंदगी लोगों को हिलाकर रख देती है। मुजफ्फर अली कहते हैं कि इंसान बार बार गिरता है, मगर हर बार अगर वो उसी ताकत से न उठे तो उसके अंदर जीने का अंदाज पैदा नहीं होता। अगर उसके अंदर एक कलाकार है तो ये कलाकार उसे मांझ देता है। टूट कर बिखरने के बाद वापस संभलने की इसी ताकत का एहसास रेखा की आंखों में था, इसलिए रेखा को उमराव जान के लिए चुना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।